ये सिद्धेश सर इधर है इधर है तुम जगह बैठो सर सेंटर में ही है सेंटर सेंटर सर अरे थोड़ा 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 मैडम जी इधर देखिए सोलो सोलो हाँ फोटो यस यस बहुत गंदी लाइट है यार सोलो ऊपर में कर दे भाई अरे करने देना भाई ट्रायल शॉट मारो यो 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 आरती इट्स नॉट फेयर यार सेंटर में देखो इधर मैडम इधर आ सेंटर सेंटर हां डन डन अजय सर अजय इधर सेंटर में सर लुक सेंटर है यो अजय सर सेंटर सर इधर देखिए सेंटर में सेंटर सर सेंटर शेट्टी सर इधर मुंबई पुलिस शेट्टी सर इधर मुंबई पुलिस उन्हें लेफ्ट शेट्टी सर चलो आपका रोहित सर इधर देखो ना सर रोहित सर सेंटर में देखा ये सर इधर सर सेंटर सर सर मैं आपको सेंटर सर इधर थैंक गॉड Well, this is the most anticipated trailer, the most anticipated movie, ladies and gentlemen. And ADF Films ki puri team ko bolna chahunga, sir. We've seen so many trailers already, sir. Matlab, I think jitne sare YouTube pe trailers aaye hain, sabse zyada fake trailers iske liye banaye, because bahut views mil rahe hain logon ko isse. And the mahol has been pretty turbulent jis din se teaser aaya hai. So ab kuch dhamakedar karna yahan pe bhi banta hai. So I would like to invite on stage someone, ladies and gentlemen. See, it seldom happens in the industry जब एक blockbuster director एक blockbuster to be blockbuster film को announce करने के लिए आए और ये जोड़ी तो पिछले 30 सालों से हम देख रहे हैं we've been enjoying the entertainment we've been thrilled by the amazing chemistry ladies and gentlemen please put your hands together for Rohit blockbuster Shetty ladies and gentlemen come on make some noise
Rohit sir, welcome. So good to see you. And okay, good afternoon everyone. And दो साल पहले हम लोग ऐसे ही मिले थे. Yes. एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और मैं आपको बता दूं कि उसका रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है, वो थी तानाजी. और एक बार फिर हम सब यहाँ वापस मिल रहे हैं क्योंकि अब हमारी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म आ रही है, दैट इज रनवे 34, रिलीजिंग इन थिएटर्स ऑन 29th of April. कुछ फैक्ट्स है इस फिल्म के बारे में. पहली बात तो ये है कि ये एक ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म. मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप प्रोमो देखेंगे तो ये इस तरह की एक घटना घटी थी, इसके बारे में जब फिल्म रिलीज होगी तब हम बात करेंगे. दूसरी एक और सीक्रेट मैं आपको बता दूं कि फिल्म के जो कैप्टन हैं वो इस फिल्म में भी कैप्टन का एक किरदार निभा रहे हैं, अजय देवगन. बहुत से लोग होते हैं जो राइटर से डायरेक्टर बनते हैं, एक्टर से डायरेक्टर बनते हैं. अजय सर ने भी वही किया, लेकिन एक और सीक्रेट है जो कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं, हम जैसे जब जिन्होंने बचपन साथ में गुजारा है, कि ये पहले डायरेक्टर ही बनना चाहते थे. हम लोगों ने इनसे काम सीखा, लेट मी टेल यू. और ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डायरेक्टर, ही बिकेम एन एक्टर. एंड देन अब जाके, यानी कि करीबन 15-20 साल से अगर आप देखें, यूमी हम शिवाय बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने डायरेक्ट किया, और आज भी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्नीशियन. जितने अच्छे एक्टर हैं उससे ज़्यादा अच्छे टेक्नीशियन हैं ये. एंड एक जर्नी रही है, एक रेवोल्यूशन रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं टेक्निकली, आप सब जानते हैं, सिनेमा में, और वो फॉलो करते गए हैं. एंड इस फिल्म में भी जब आप प्रोमो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाउ टेक्निक हैज़ बीन यूज्ड. यू नो, जैसे तानाजी जब बनी थी तब एक अलग टेक्निक थी, 3D में वो फिल्म आई थी, आपने विजुअल्स देखा था, इसमें एक अलग तरीके का विजुअल्स है. एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग पहले प्रोमो देखते हैं और फिर आगे की बातें करेंगे सर. लेकिन एक चीज, एक सवाल तो है जो बनता है सबके मन में. आप डायरेक्टर हो सर, आप गाड़ियां उड़ाते हो. सर डायरेक्टर बने, प्लेन उड़ाए सर. तो फर्क तो होगा ना छोटे भाई और बड़े भाई में. ओके, या चलो, लेट्स सी द प्रोमो फर्स्ट. लेट्स टेक अ लुक एट द प्रोमो. ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो. मुझे कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं. मैं वेट कर रहा हूँ कि सब देखेंगे और उनको कैसा लगे. एक थोड़ी एंजाइटी जो रहती है, मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, तो एक जो थोड़ी एंजाइटी रहती है वो थोड़ी है. अब जब ट्रेलर हो जाएगा तो फिर सबको कैसा लगा जब पता चलेगा, फिर मैं बताऊँगा मैं मुझे कैसे लगा. थैंक यू सो मच, जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू सो मच. राकुल, दिस वन्स फॉर यू. How was this co-pilot of yours, yeah? Like, Kaptan saab cockpit ke andar kaise the? Was he like, tell us. I think you just have to wait for another 1 minute or 2 minutes to see how the captain was. But I can tell you the captain of the film was amazing. He was amazing. And like Rohit sir said, technically so sound, the way we have shot the film. I have never ever in my life shot with 7 cameras together, 11 cameras together, 15. 13 cameras together, and imagine 7 in a cockpit. So I think only this captain can do that. And I'm sure it's going to be huge because we saw the thing outside and it just blew our minds away. I'm keeping my fingers crossed, very very excited. Right, great. ऐसा लग रहा है अभी से हमने award function कर दिया है यहाँ पे. This one's for you, Angira. Please tell us ki how was your experience with this amazing team, Ajay Devgan sir, Amitabh Bachchan sir, Boman Irani, and this amazing crew. Please tell us. Hi. So it was, I must say, I was nervous the first day I walked in on set because I saw Ajay sir, Amitabh sir, Baman sir, and these gorgeous women here. And very quickly, it cooled off because of this person sitting here, because he made me feel extremely comfortable. And he was so mindful of each and every actor. And I have to thank you for being this. He was amazing on set, and he's an amazing director. He's an amazing actor, but now we all know that he's a captain of the ship. Yeah. Captain. Akansha, this one's for you. Quickly tell us something jo itna acha na ho. Something that was not hunky dory. ADF mein aisa kuch nahi hai jo itna acha na ho. So yeah, so bahut hi acha experience raha hai, and I'm really very grateful to be a part of this project, and thank you so much for giving me this opportunity, and I'm really thankful. Thank you so much, Akansha. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, as I said, all ek aap sab ke liye surprise hai, ek message hai, khas karke jo puri runway 34 ki team hai unke liye. Pehle wo main play karta hu, fir Q&A karenge, theek hai? Okay.
और स्वागत जितने भी पत्रकार हैं और मीडिया के लोग हैं। क्षमा चाहता हूं कि मैं यहां पर उपस्थित नहीं हो सका। ये कोविड की वजह से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं जिसमें हमारा आना जाना जो है वो बंद हो गया है, लेकिन ये अवसर मिला है मुझे कि आप लोगों से बात कर सकूँ रनवे 34 के बारे में। और इस ट्रेलर को देखने के बाद शायद आपके मन में कुछ उम्मीदें जागी होंगी। जितने भी हमारे कलाकार हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी ओर से चाहता हूं कि इस फिल्म की तरक्की जो है वो उनके नाम भी जाए, क्योंकि उनका योगदान जो है वो बहुत ही प्रबल होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिनको हम कहना चाहेंगे कि उनको तारीफ उनकी करनी चाहिए वो हैं इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कलाकार अजय देवगन। अजय के साथ हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है उनके पिताश्री से लेकर के आज तक, और उसका मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह से अजय ने इस फिल्म में मेहनत की है मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा। एक एक शॉट यानी कि 10-12 कैमराज लगे हुए एक साथ, तो एक्टर के लिए बड़ी एक अच्छी एक तसल्ली होती है कि अभी हमें बार बार जा करके क्लोजअप नहीं देना, ये नहीं करना, एक फ्लो में एक ग्राफ में हमें बोलने का अवसर मिलता है। और जिस तरह से अजय न केवल उस फ्रेम में है, वो एक कलाकार के हैसियत से वहाँ है, उसके बाद ये देखना कि कैमरा कहाँ लगेगा और बाद में जाकर के जितने भी कैमरा चले शॉट के बाद जा करके देखना कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, अपना ही काम देखना दूसरों का काम भी देखना, ये सब बड़ा ही मुश्किल काम होता है। लेकिन कितनी खूबी से अजय ने इसे निभाया है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी आज का हमारा ट्रेलर, और एक बार फिर आज न उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू रनवे 34 एंड द एंटायर स्टार कास्ट। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये बताओ? आग लगा दी? तो भाई जिसने आग लगाई है उनको बुला लेते हैं, जो फिल्म के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। प्लीज वेलकम अजय देवगन। डायरेक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब आप डायरेक्टर भी हैं और आप एक्टर भी हैं, और उससे ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाता है जब आप एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं एक प्रोजेक्ट के। और ये मैं आपको बता दूं, हम सब इस दौर से गुजरे हैं जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त कोविड अपने पीक पर था। ये अब नहीं बनी है, ये पिछले साल की शूटिंग है, तो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना और कोविड को झेलना और उसमें प्रोड्यूस भी करना, डायरेक्ट भी करना, एक्ट भी करना, तो ज़रूर कोई खास बात रही होगी स्क्रिप्ट में जो ये रिस्क लिया गया। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा या ये खुद ही बोलें कि ऐसी क्या बात थी स्क्रिप्ट में। कोई भी चीज़ बनाने के लिए कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, और जब मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले सुनी थी, 2-2.5 साल पहले, एंड जब संदीप और आमिल ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, और मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये चेंजेस करके मिलते हैं। उसके बाद 1.5-2 साल हम भूल गए, लॉकडाउन में बैठे थे, और फिर मुझे याद आया कि यार वो एक स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने चेंजेस किए हैं कि नहीं किए, तो इन्हें बुलाया गया और इन्होंने वो चेंजेस काफ़ी किए हुए थे, तो स्क्रिप्ट बहुत इंस्पायरिंग हुई। और जैसा कि रोहित ने कहा भी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, बेसिकली 1 इंसिडेंट, लेकिन कुछ चीज़ें यू नो ड्रामेटाइज भी की जाती हैं। तो आई रियली वॉन्टेड टू मेक दिस फिल्म देन, एंड फिर उसके बाद हमने और सब्जेक्ट पे काम किया, अब वो इतना अच्छा शेप अप हो गया कि देन वी सेट के अभी शुरू कर देते। तो महीने भर में आई थिंक लॉकडाउन में हमने ये फिल्म शुरू कर दी, एंड एंड व्हेन आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म, मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी फिल्में ढूंढता हूँ जो आसान रास्ते से ना जाती हूँ। तो बहुत मुश्किल था ये नए विजुअल्स क्रिएट करना, क्योंकि पिक्चर आसमान में, हवा में, बादलों में, फिर धरती पे, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। जब स्क्रिप्ट आई तो एज एन एक्टर आपने सोचा या
प्रोड्यूस करूंगा या एक्ट करूंगा, या पहले से था कि ये स्क्रिप्ट मैं ही डायरेक्ट करूंगा? ये स्क्रिप्ट मैं डायरेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैंने सोचा एक्टर किसको ले, फिर मैंने सोचा अपने आप को ले लेता हूं, फिर मैंने सोचा इसको प्रोड्यूस कौन करेगा, फिर बोला मैं ही कर लेता हूं। अच्छा, ये इनकी पुरानी आदत है, जब हम लोगों ने राजू चाचा भी बनाई थी तो यही हुआ था, प्रोड्यूस कोई और करने वाला था, सडनली एक दिन हम सबको ऑफिस बुलाया गया आधी रात को एंड कहा कि ये फिल्म मैं प्रोड्यूस करूंगा। ये कई बार ऐसा करते हैं, तो ये पुरानी आदत है, इनकी कोई नई बात नहीं है। एंड अब आपके जो को पायलट हैं उनको स्टेज पे बुलाते हैं। रकुल, प्लीज कम। रकुल, जब पहला फोन आया होगा एडीएफ से, तब कोविड चल रहा था फॉर शो, ऐसी क्या बात है कि आपने बोला नहीं करते हैं चलो? और इनको सेट पे भी कोविड हो गया। हाँ, इनको सेट पे भी हुआ था। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई काम शुरू करे, सो आई जंप टू इट एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले कॉल आया, फिर मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया, विच आई इमीडिएटली, आई थिंक इन अ डे आई हर्ड द स्क्रिप्ट एंड आई सेड आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू हियर समथिंग विच यू हैव नॉट सीन बिफोर। ऐसे विजुअल्स नहीं देखे गए या ऐसा रोल या ऐसी स्टोरी, एंड स्पेशली व्हेन इट्स अ ट्रू इंसिडेंट इट ऑलवेज इंस्पायर्स यू। सो आई सेड यस, लेट्स डू दिस। एंड बिकॉज कोविड चल रहा था, आई वॉज दैट वन पर्सन हु वॉज इचिंग टू गो टू वर्क। आई सेड मुझे प्लीज घर पर नहीं बैठना, मुझे काम करना है। सो देन देर वॉज नो फ्यर, बट आई थिंक व्हाइल वी वर शूटिंग इज व्हेन आई हैड कोविड एंड आई रिमेंबर फर्स्ट थिंग आई मिस मेरे साथ बहुत लोगों को होता होगा जो भी प्लेन में ट्रैवल करते हैं, लेकिन सच नहीं बोले, टर्बुलेंस से डर लगता है जब प्लेन हवा में ऐसे गड़गड़ गड़गड़ होता है? अभी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो तो डर लगता है, बट अदरवाइज आई एम नॉट समवन हु इज एक्चुअली स्केयर्ड, जो होना है वो होगा। एक और ट्रिकी क्वेश्चन, अजय देवगन एज एन एक्टर, अजय देवगन एज अ डायरेक्टर, अजय देवगन एज अ प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ द अबव, यू फॉरगॉट द फोर्थ ऑप्शन। भाई साहब, आप हमें देखने आए कि थोड़ा हेल्प भी करेंगे? ये रिलैक्स हो गया सर, मैं कर लेता हूँ, मेरे को भी लाइमलाइट चाहिए सर थोड़ी। ऑलराइट, टू अरे हासन यार, टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस आकांक्षा सिंह एंड साथ में अंगिरा धर। सर ऐसे कैसे सर? आकांक्षा, द रिस्पॉन्स दैट वी जस्ट गॉट, अजय सर ने बोला उस समय कि वो तो अभी पता लगेगा, वी ऑल हैड आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, नाउ व्हाट डू यू हैव टू से? आई एम स्पीचलेस एंड माय हार्ट इज स्टिल पाउंडिंग वेरी फास्ट बिकॉज इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन द फिल्म, एंड नाउ व्हेन आई वॉच द ट्रेलर आई एक्चुअली वॉच्ड इट एज एन ऑडियंस, एंड yeah, I'm so excited and I really, I feel the same that, you know, people sitting out here are very excited to watch the film on 29th right, April. Right, Angira, this one's for you. Aap kiski taraf ho, please humko batao. Wo rule breaker ya rule enforcer, kiski taraf ho? Wo to aap picture dekhenge to pata chal jayega. Yes, Rohit sir, aap hi puchh lo, aapko achche jawab milte hain sir, mere ko nahi milte hain. Ne, wo personal life ke baare mein baat kar raha hai. Acha, personal life ke baare mein. You'll have to ask me this question again. What is this personal thank life you, sir, question? Thank you, sir. Full footage. I'm saying rule enforcer or rule breaker. Kiski taraf ho aap? Rule breaker. Hai na? Yeah. Always. And in the movie? वही तो बोल रही हूँ, आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। अभी कभी आपने सिग्नल तोड़ा और आपकी फोटो आ गई तो ये क्लिपिंग चलेगी। रूल ब्रेकर, रूल ब्रेकर, so nicely accepting I'm a rule breaker. और से देखिए, इनसे पहले ही कहा गया था। But पर जब वो भी करते हैं तो बिल्कुल लाइन में आ जाते हैं ना। So you have to basically follow some of the rules and then you have to like maneuver around. Got it. कैसे बच के निकलना है? तो सर अभी ये सब उतावले होंगे कि हमको जो काम के लिए हैं वो करें, तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। कर देते हैं सर, विद योर काइंड परमिशन। Thank you.
many months. धन्यवाद, thank you so much. Okay, now it's over to the media. We have, we'll take the questions. कहाँ से शुरू? अजय सर एक्टर से डायरेक्टर के रोल में फिर से एक बार दिखे, बट आप डायरेक्टर से एक्टर के रोल में कब दिखेंगे? अरे नहीं भाई, देखो कभी भी चलती गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए, ये याद रखना। ये ओ भाई, खतरों के खिलाड़ी नहीं देखा? देखा, बट फिर भी देखा 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 हाँ, तो बस है ना, साइड बिजनेस। हाँ, थैंक यू। हाय अजय सर, हियर यू टुवर्ड्स योर राइट। दिस इज रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज। सर आपने 1999 में हिंदुस्तान की कसम में काम किया था अमिताभ सर के साथ, जो आपके पापा वीरू देवगन ने डायरेक्ट किया था। लाइक हाउ वॉज द एक्सपीरियंस वर्किंग देन विद अमिताभ बच्चन, एंड हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग? कितना लंबा इंतजार आपको करना पड़ा कि अमिताभ सर के साथ एक बार फिर से आप काम करें, और सिर्फ ना काम करें बस बल्कि उन्हें डायरेक्ट भी करें? जैसा कि अमित जी ने भी कहा, आई थिंक जब मैं छोटा था तब से मैं सेट पे जाया करता था, तब से मैं उनको जानता हूँ, और उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। सिर्फ हिंदुस्तान की कसम नहीं, मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में, मेजर साहब उसी वक्त, मेजर साहब है, खाकी है, मेरे ख्याल से सात आठ से ज़्यादा फिल्में हैं उनके साथ। और आई थिंक उनके बारे में कुछ कहना आई थिंक बहुत ही क्लीशे जवाब होगा, क्योंकि उनसे ज़्यादा टैलेंटेड, अमेजिंग, प्रोफेशनल एक्टर मैंने हिंदुस्तान के, मुझे नहीं लगता कि कोई दुनिया में भी होगा इस उम्र में, जिस डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, चाहे उनकी शरीर में या मेंटली कोई भी तकलीफ हो, जब वो सेट पे आते हैं तो सब भूल चुके होते हैं। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है जिसकी वजह से हम और बेटर काम कर सकते हैं। सो ही इज अ लेजेंड। अजय सर, कभी ऐसा हुआ कि इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में उन्हें डायरेक्ट करने की कोशिश की हो, या कोई स्क्रिप्ट ऑफर की हो
और वो बात ना बनी हो, ऐसा कभी हुआ कुछ? नहीं जी नहीं, मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था मेजर साहब, उनके जो डायरेक्टर थे वो एक स्केड्यूल के लिए थोड़ा बीमार पड़ गए थे, तो अमित जी ने मुझे कहा था कि टू हेल्प आउट डूइंग दैट वन स्केड्यूल, तो पहले भी मैं उनके साथ कर चुका हूँ, बट एक पूरी फिल्म अब पहली बार की मैंने। अजय सर ओवर हियर टू योर लेफ्ट, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन द ट्रेलर। So my question to you is, when you are directing a film, how easy or difficult is it for you to visualize someone else as an actor, or to visualize you as an actor? No, I don't think it's very difficult, because when you work on a script, you start thinking of a cast, that who will suit, and then once you cast them, then you start working on it again, thinking about that person. So by the time you reach the set, you're very, very clear that who should perform how and what you expect out of them. And in this film, trust me, even the jiska sabse bhi chota role hoga, he's also an amazing actor. Everybody's performed very, very well and very, very real. And is there any actor you wish to direct? I never thought like this. It depends on the script, yaar. When you hear a script, like in this film, Mr. Bachchan's role, I don't even know if he would have not agreed, I wouldn't be able to cast. I don't think I would be making the I would be making the film. Ajay sir, right next to him. Amazing trailer. First of all, it's looking really intriguing. Sir, in the trailer there's a dialogue ki sometimes some days I love my job and some days I hate my job. As an actor on set, we would like to know the day probably you loved your job the most and the day you hated your job the most. Thank you so much. You like the trailer. Yeah, I think ye sabhi ke sath hota hai. I think we all love our job. But kuch din aise hote hain jis din aap maybe you're mentally or physically under the weather or something. Us din aapko aise lagta hai ki yaar aaj main kaam pe nahi jaun, you hate your job. So aapke sath kabhi aisa hua ki yaar aaj agar ek chutti mil jaye to? Sir, kal hi ho raha tha. Socha tha aaj chutti maar lu. तो फिर क्यों आए आप सर? क्योंकि आपका ट्रेलर मिस नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप खुश हैं कि आप आए कि आप? सर बहुत ज्यादा। थैंक यू। हाँ तो ऐसा सबके साथ ही होता है मेरे हिसाब से, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, बट वी ऑल प्रोफेशनल्स लाइक यू सेड कि आज काम था तो आप आए, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो आप काम पे तो पहुंचते हैं क्योंकि आपने कमिट किया। So, and another thing, an extension of the question that was asked earlier, I think you have done 6 films with Bachchan Saab, starting with Hindustan Ki Kasam and Major Saab. I think there would be more, but I don't know, I'll have to count. Haan, theek hai, agar 6 hain ya 6 hain ya 7 hain. Hindustan Ki Kasam, Major Saab, Satyagrah, Hindad, Hum Kisi Se Kam Nahin, Khaki, and there was one more. Bol Bachchan, there was a cameo. Haan, Bol Bachchan, there was a cameo. Haan, toh maybe 6 films, yeah. So, sir, you have acted with the legend. This is the first time you are directing the legend. We would like to know the biggest difference you felt in sharing screen space as a co-star with him and directing him for the first time. No, like I said, it is fabulous. When you direct him, you feel that he is inspiring you to direct him. You know, it's unki itni energy hai ki wo jab kaam kar rahe hote hain, aapko aise lagta hai ki aap aur acha kaam kare. और अच्छी तरह से उन्हें प्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी तरह से he's an inspiration for any director. And last question. अरे कल छुट्टी लेने वाला था, आज रुक ही नहीं रहा सर, अभी आया हूं। तो मतलब बायोग्राफी थोड़ी लिख रहे हैं। नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन। Rakul, you have shared screen space with the superstar in De De Pyar De, and now you are being directed by him. Was there any kind of, while being directed by him, was there like any kind of reservation that this time he's the boss on set and probably I have to be more on my toes since he is the captain of the ship? Well, I think it was only more easier because I had known sir before and I had worked with him, and you know, sir always makes the other person feel very comfortable, and I think that's his biggest quality. Even when I remember, it was my first day on De De Pyar De, that time I had jitters, so he just made me very, like, he just keeps the entire environment very light on set. And now obviously I had that familiarity, and but I got to see the technical brilliance of you know, his on set, and I just
just couldn't believe how someone can don multiple hats at the same time, like someone was mentioning before, to shoot and then to go and check that shot and then, you know, set up everything, set up the cameras, and then finally get into the costume and come and shoot and then go back and check. So it's just a lot of concentration and a lot of focus that's required, and it was very inspiring to see him do that. I learned a lot in the process. I don't think there was anything difficult, but there was a lot of learning in the process. आ जाते हो बिल्कुल. अभी यहाँ पर इस फिल्म में क्या होता है कि आप एक्टिंग भी कर रहे हो इन द सेंट्रल कैरेक्टर और आप डायरेक्ट भी कर रहे हो. तो एट दिस जंक्चर व्हाट वाज इजियर फॉर यू, एक्टिंग और डायरेक्टिंग द फिल्म? आई थिंक व्हेन यू आर कंप्लीटली प्लान्ड, मेंटली क्लियर, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट लाइक रकुल सेड. इट्स मोर ऑफ हार्ड वर्क एंड आई लव डूइंग हार्ड वर्क. तो ऐसा नहीं था कि कुछ मुश्किल पड़ रहा था, बट क्योंकि आपकी क्लैरिटी इतनी थी, मेहनत ज़्यादा थी, और मेहनत करने में जैसे कि मैंने कहा मुझे बहुत मज़ा आता. मज़े की बात क्या है कि यू बीइंग द सेंट्रल कैरेक्टर, अभी आपको सब आपके को आर्टिस्ट को भी डायरेक्ट करना है, तो आपको अपना रोल भी वे करना है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो उस लिहाज में फिर आप कैसे जस्टिफाई करते थे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप पहले से प्लान्ड हैं और आप आपके दिमाग में पहले से क्लैरिटी है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा रहेगा, आपको कैसे फिल्म शूट करनी है और कैसे आपको परफॉर्म करना है, जब वो पूरी क्लैरिटी है तो फिर इतना मुश्किल सेट पे नहीं होता. थैंक यू. माइक ले लो ना मैडम. साथ में बैठे भी हैं, एक फोबिया के कारण है. रोहित इज एन अमेजिंग डायरेक्टर और आई थिंक रोहित जिस हिसाब से ऑडियंस की पल्स को जानता है, जब ये फिल्म शूट कर रहा होता है तो हम इसे कभी क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रोहित ऑडियंस की एक एक पल्स को जानता है. अगर वो एक शॉट भी ले रहा है, एक सीन भी कर रहा है, तो उसके पीछे एक इंटेंशन, उसको पता है कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा. तो ही इज़ आउटस्टैंडिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मैंने 30 साल काम किया है, मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो आई थिंक आप क्या घर ले जाते हैं, किससे आपको आपको रजिस्टर नहीं होता, और वो कब बाहर आता है आपको वो भी रजिस्टर नहीं होता. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस. सो मैंने ऐसे किसी के बारे में सोचा नहीं या कुछ. व्हाट आई फेल्ट राइट आई डिड इट, बट आई एम श्योर दैट किसी ना हर उस 30 साल के हर डायरेक्टर का कोई ना कोई एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा डायरेक्टर हो या बुरा डायरेक्टर हो, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, वो आपके दिमाग में हमेशा रहता है. थैंक्स लॉट. अजय नहीं थी, आज हम बात कर सकते हैं. वो 32 करोड़ की फिल्म थी उस जमाने में जब लोग 8 या 9 करोड़ की फिल्में बनाते थे, तो ये सवाल करना क्या लैविश है कि नहीं, रोकना पड़ता है इनको कि मत इतना करो. या मुझे बस इतना ही लगता है कि जो सब्जेक्ट का डिमांड है वो ज़रूर पूरा होना चाहिए. जो रिक्वायरमेंट है वेस्टेज ना हो, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है. ओके, ऑल्सो वी हियर दैट द फ्रेंचाइज इज ऑलरेडी रेडी. Mumbai. That's because we had to put up sets and things like this. And COVID ke situation mein, I think us waqt agar ek studio mein aur ek jagah sab isolate karke ek hi hotel mein agar rehte, to I think it was much safer ki koi travel nahi kar raha, koi ghar nahi ja raha hai. So that was the main idea of shooting there. And the dialogue bazi of yours and Amitabh Bachchan sir, you know, I mean, tashan dikh rahi hai. So how was it delivering that? Of course, you're both of you are such a exuberant actors, but since अगर आप जब आप फिल्म देखेंगी तो एक्चुअली मेन कहानी हम दोनों के कॉन्फ्लिक्ट की है, और इट्स अ थ्रिलर. आपको पिक्चर के लास्ट सीन तक पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था. अगर ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था तो क्यों हुआ था, ये एंड तक पता नहीं चलता. तो दैट्स द USP ऑफ द फिल्म. एंड उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका और हमारा, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दैट हैज कम आउट वेरी इंटरेस्टिंगली. एंड आई रियली दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज दैट्स द मेन स्टोरी ऑफ द फिल्म. हाय अजय जी, यहाँ सामने आपके, यहाँ पर टुवर्ड्स योर राइट अ बिट
कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द एंटायर टीम. मुझे पूछना था कि किसी तरह का, जैसे आपने कहा कि लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन पहले से हुआ हो चुका था, तो कुछ वर्कशॉप भी हुए थे यू नो एक एयरक्राफ्ट को यू नो पूरी तरह समझना क्या क्या चीजें होती कॉकपिट एंड ऑल. बिल्कुल, अगर आप जब आप फिल्म देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे एवरी पैनल एवरी सिचुएशन जो जो चीजें जो टर्म्स यूज किए गए हैं दे आर ऑल रियल. वी हैड अ कैप्टन ऑन सेट, वी हैड लॉट ऑफ ATC पीपल ऑन बोर्ड, तो और उनसे सब अप्रूवल लेके इवन अब तक जो फिल्म का फाइनल चल रहा है जो अभी फिनिश हुआ है अब तक उनके अप्रूवल चल रहे हैं. सो वी ट्राइड टू कैप्ट इट, मतलब जो हमको लगता है कि आम ऑडियंस तो ये नहीं पकड़ेगी या ना समझ में आएगा, हम वो नहीं चाहते थे. हम ये भी चाहते थे कि जब कोई कैप्टन फिल्म देखे या ATC वाला फिल्म देखे वो भी कहे कि एकदम सही है. अगर अगर 35,000 फीट पे उस सिचुएशन पे प्लेन के पैनल अगर कुछ आपको बता रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन के हैं और उसी टाइम के हैं उसी हिसाब से. I forgot to tell you, you're looking very smart और बहुत handsome लग रहे हो. सर माइक ले लेंगे तो बेटर है. सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना इस फिल्म के लिए. ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और आप तीनों जो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म के, रकुल प्रीत की, दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं. तो सवाल ये है कि जब सर एक्टिंग करते हैं तो सेट पे डेफिनेटली प्रैंक करते हैं बहुत ज़बरदस्त. तो इस फिल्म में जब ये डायरेक्शन भी कर रहे हैं सर, तो रकुल प्रीत जी इसका आंसर देना चाहेंगे कि क्या क्या प्रैंक वहाँ पर हुआ और किस तरीके से इस फिल्म में. आई थिंक जब आप डायरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्ट कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रैंक करने का टाइम मिलता नहीं है, यू नो. सो इस सेट पे ज़्यादा प्रैंक्स नहीं हुए थे बिल्कुल भी. आई थिंक देयर वाज सो मच दैट सर वाज डूइंग, आई मीन वेयर इज द टाइम फॉर प्रैंक्स. मतलब इस फिल्म में आप लोग एक्चुअली आई हैव बीन लकी, मेरे साथ दे दे प्यार दे में भी सर ने कोई प्रैंक्स नहीं किए थे. यार ये सवाल का जवाब मैं कब से दे रहा हूँ, हम करते थे प्रैंक्स, अब हम बड़े हो गए यार. थोड़ा बड़े हो गए. और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस दिन आपका ये ट्रेलर लॉन्च हो रहा है उसी दिन आज विश्व कविता दिवस भी है आज. तो अगर अजय सर के श्रीमुख से अगर चार लाइन कोई भी अगर आप कविता कहना चाहें. कोई कविता इस वक्त याद नहीं है मेरे भाई. या सर मैं बोल देता हूँ. रोहित सर या रकुल, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बोलो बोलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो. सर थैंक यू जी. हेलो अंगरिया, मेरा सवाल आपसे, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जहाँ इतने बड़े दिग्गज अजय देवगन साहब, अमिताभ बच्चन साहब, इतने बड़े दिग्गज उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस. अंगरिया देन आई गो जी. अंगिरा आई एम सॉरी आई नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, आई एम सॉरी फॉर इट हियर, इट्स ओके. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ ऊपर कर लो ना भाई. यस. इतने बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आई मीन मैंने जैसे उनको भी कहा था, द फर्स्ट डे आई वॉक्ड इन ऑन द सेट आई वॉज वेरी नर्वस टू बी ऑनेस्ट, एंड इट फेल्ट लाइक देर वॉज अ यूनिसंस इन द होल प्रोसेस. लाइक रकुल ऑल्सो मैंशन, वी हैड 11 कैमराज ऑन सेट. इट वॉज वेरी अनर्विंग द होल थिंग, बट वेरी वेरी क्विकली आई फेल्ट एट होम. आई वॉज मेड टू फील एट होम because of Ajay sir. I would say he just like, there was a calmness on set. And yes, Rakul is right about the prank. I don't think he had the time for it, because every time on set there would be a calm on set, and that is so nice for actors to actually perform in an atmosphere like that. So I think it was amazing. आकांक्षा आपसे, आकांक्षा ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और एक्सपीरियंस बहुत ही, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रहा है. ये सब लोग बोल चुके हैं कि है ना 12 कैमरा 11 कैमरा के साथ शूट किया है, पर उसी तरह से लाइक मैंने भी अपनी लाइफ में अभी तक तो कभी 12 कैमरा के साथ शूट नहीं किया, और कितनी फिनेस के साथ में हर शॉट को सर करते थे, और what he actually knows what he wants, and usne
उस चीज़ ने इतना सारा टाइम हमारा सेव किया है एंड हमने शायद बहुत जल्द ये फिल्म बना ली है एंड एवरी सीन मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने फिनिश के साथ हुआ है। अजय सर मेरा सवाल आपसे, कहा गया टेक्निकलिटीज बहुत समझी आपने जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, और आपके लिए क्योंकि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, यू अंडरस्टैंड सिनेमा, यू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, आपके लिए जो आपको खुद लगा कि हाँ यार ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट? आई थिंक सबसे चैलेंजिंग पार्ट एक फिल्म में होता है स्टोरी टेलिंग। जो कहानी आपने चुनी है वो कहानी की एक एक चीज़ आप सही पर्दे पे ला रहे हैं या नहीं। टेक्निकलिटी सब ठीक है, अपनी जगह पे है, वो सब ये सपोर्ट करने के लिए हैं कि आप कहानी जो कह रहे हैं वो कैसे कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जब आप लिख रहे होते हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये कैरेक्टर इस वजह से ऐसा है, उस वजह से ऐसा है, ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए। और जब शूट करते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें कहनी है और बहुत कम समय में कहनी है, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। एंड दैट इज़ वेयर ऑल द टेक्निक एंड स्टोरी एवरीथिंग कम्स टुगेदर। जैसे कहा गया कि ट्रू